राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। श्री बालाजी डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर 3D एंड 2D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन विद वास्तु लेआउट वर्क भवन निर्माण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य एवं प्रॉपर्टी जमीन प्लाट मकान खरीदने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। नगर निगम एवं नगर पालिका से नक्शा पास कराया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अमन रैंकवार 9329136995, इंजीनियर रोहित रैंकवार 8773537316। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद भी प्रदेश के परिवहन मंत्री के गृह जिले सागर में लापरवाही का आलम थमता नजर नहीं आ रहा है, जहां जिम्मेदार अमले की उदासीनता के चलते तय नियमों की अनदेखी कर ओवरलोड सवारियों से भरे वाहन सड़कों पर खुलेआम दौड़ते हुए हादसों को आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं, जो सरकारी एवं प्रशासन की रोड सेफ्टी के लिए की जा रही कवायद की मंशा पर खरा उतरता नहीं देख किए जाने वाली मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में बस दुर्घटना में 50 लोगों के एकाएक काल के गाल में समा जाने के बाद भले ही सरकारी एवं परिवहन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में मैदानी स्तर पर हादसों की रोकथाम के उद्देश्य से कवायद में जुट कसरत करता दिखाई दे रहा है, पर प्रदेश के परिवहन मंत्री के गृह जिले में अभी भी लापरवाही का दौर बदस्तूर जारी है, जहां खुलकर सवारी वाहनों के साथ मालवाहक गाड़ियों में सवारियों को ठूस ठूस कर भर ओवरलोडेड वाहन खुलेआम सड़कों पर दौड़ते साफ देखे जा सकते हैं, जिन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदार अमले के कंधे पर है वह साफ तौर से मामले में दम तोड़ चुकी है। यातायात व्यवस्था के आगे नतमस्तक होकर अपने दायित्व से तीसरी कर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई दुर्घटना सामने आ सकती है जिसमें जान माल की क्षति होना तय है। इस मामले में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और ओवरलोडिंग वाहन की रेलम पेल जहां तहां साफ देखी जा सकती है, जिसको लेकर मैदानी स्तर पर नियंत्रण के कोई प्रयास नहीं होने पर अब तो आम नागरिक भी यातायात परिवहन विभाग से विभाग के मंत्री को आईना दिखा खूब चुटकी ले रहे हैं और परिस्थिति में सुधार के किए जाने वाले दावे पर प्रतिनिधि लगा हादसों के बाद शासन स्तर पर जारी उठापटक को औपचारिक कदम बता रहे हैं, जहां फिर किसी बड़े हादसे की आमद के बाद शायद जिम्मेदार मामले में चेते। क्योंकि परिवहन की आपने बात की है तो परिवहन मंत्री का एक ग्रह जिला है, जो घटनाएं अभी और क्षेत्रों में हुई हैं वो उनकी शुरुआत सागर से होनी थी। क्योंकि परिवहन मंत्री जी हमारे यहाँ सागर में हमने ये देखा है, जितनी भी बसें हैं इनमें कम से कम 25% तो अवैध बसें हैं और उनमें ओवरलोडिंग खुलेआम और धड़ल्ले से होती है। चूँकि एक दो हादसे होते हैं तो प्रशासन जाग जाता है, नहीं तो आओ लच्छू बैठो लच्छू, ना इधर कच्छू ना उधर कच्छू वाली स्थिति है। और ट्रैफिक व्यवस्था की तो आप चर्चा ही नहीं करना सागर की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से कि अभी भी समय देते चेत जाएँ, नहीं तो ऐसी घटनाओं का दौर अभी शुरुआत हुई है और होगा। अभी आप आगे जाइए बस स्टैंड पर बसें देखिए, जिनमें 25-30 सवारी हैं जो राजघाट रोड पर जाती हैं उनमें 60-65 यात्री भरे रहते हैं, जो हर स्टाप पर रुकती उनको देखिए, वो बाहर जाने वाली बसों को देखिए। जो मुस्तैदी दम भर रहा है प्रशासन हादसे के बाद, वो तस्वीर दिख रही है क्या? नहीं, वो तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो सारे हुआ हुआ चिल्लाने लगते हैं, मगर दशातल पर आओ तो जमीन में ताएँ ताएँ फिस रहे। ये जितने भी यहाँ अधिकारी हैं सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे कलेक्टर हों चाहे और भी परिवहन की जो भी RTO साहब हों। आप देख लो, RTO आप जाइए, आप देख लेना पूरी स्थिति, डंपरों को देख लो, आप बसें देख लो, ओवरलोड देख लो, अभी आप जाके ऑटो देख लो, चैंपियन देख लो, शहर में क्या स्थिति है। ट्रैफिक व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। चूँकि हमारे ट्रैफिक DSP खरे साहब ने कुछ पहल की थी, उनको नज़रअंदाज करके आज हम 2 साल से देख रहे हैं। एक मैप बनाया था, अगर उस पर अमल हो जाता, स्थानीय प्रशासन कर देता तो यहाँ सागर की ट्रैफिक व्यवस्था लचन नहीं है। आप जाओ 3 बत्ती से राधा टगटा तक, 4-व्हीलर खड़ी हैं हर दुकान के सामने, दस जैसे ये रोड उनके पिता ने बनवाई। ठीक।